तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इरफान चौधरी के बहुत टाइम बाद एक वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा कि एक और थार है आज हमारे साथ। तो ये तो रही मेरी थार, तो आज कुछ अलग कंटेंट है मैंने आपको दिखाना है। और ये रही मेरे भाई की थार, तो ये है मेरे भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया जी। नाम बताओ अपना। मेरा नाम शाहबाज खान है। शाहबाज खान है हमारे साथ। और ये हमारे भाई समीर, पूरा नाम बताओ। समीर चौधरी। समीर चौधरी। तो भाई आज की जो वीडियो है वो वीडियो है उन भाइयों के लिए जो अपनी गाड़ी में काम कराना चाहते हैं। जैसा कि शाबाश अपने भाई हैं, समीर अपने भाई हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि इरफान भाई मुझे भी अपनी गाड़ी को थोड़ा मॉडिफाइड कराना, तो आप कुछ रेकमेंड करो। तो मैंने करोल बाग में एक दुकान इनको रेकमेंड करी जो कि अपने भाई की है, समझ लो जो कि है, क्या नाम है जी? मनीष भाई। मनीष भाई है, माही कार एक्सेसरीज। तो इनकी गाड़ी में जो जो काम हुआ है वो हमने आपको दिखाना है। बेसिकली हमने अपनी जी वैगन तैयार कर ली है एक और, पहले तो ये वाली जी वैगन तैयार करी हमने, अब ये वाली करी। अब क्या क्या इसके अंदर काम हुआ है शाबाश, सबसे पहले तुम अपना फीडबैक बताओ जब तुम वहाँ पे गए और कैसा काम मिला तुम्हें और कैसा वर्क हुआ है और कितना टाइम लग गया? टाइम तो मैक्सिमम 2 दिन लगे। बहुत अच्छा काम भी, बहुत अच्छा करा, बहुत तसल्ली से काम करा और आपका नाम लिया तो उन्होंने बहुत मतलब सेटिस्फाई करा काम। सेटिस्फाइड रहे एकदम, बहुत बढ़िया। तो भाई अब इसमें जो जो काम हुआ है, ये बिल्कुल नई थार ली थी, ये ली थी 2023 में ली थी, देख लो, और 2023 में भी है, तीसरे महीने की है गाड़ी, ठीक है जी। तो अब शाबाश तुम बताओ और समीर तुम भी बताओ, तुम भी गए होगे तो भाई ने दिखाई भी होगी तुम्हें गाड़ी, कैसी लग रही है तुम्हें गाड़ी? है गाड़ी बिल्कुल जानदार, जी वैगन अंदर से फील आ रही है, जी वैगन वाली। वो हम क्यों कह रहे हैं जी वैगन ये हम आपको बताएंगे। शाबाश तो क्या क्या काम करवाया तुमने इस गाड़ी में? इरफान भाई इसमें तो ग्रिल चेंज करवाई है, ठीक है, रैंगलर स्टाइल ग्रिल है। हां जी रैंगलर साइज ग्रिल है। और ये लाइटें हैं, लाइटें हैं, एक बार जला के दिखाओगे? एक बार लाइटें, हां बिल्कुल समीर, एक बार जला के दिखाओ लाइटें। और क्या और क्या क्या चीज चेंज हुई है फ्रंट से? वैसे गाड़ी फ्रंट से बस ये ग्रिल और फॉग लैंप वगैरह और ये लाइट लगवाई है। जैसे अब ये हेडलाइट देखते हो, ये किंग कॉन्ग स्टाइल हेडलाइट है। हां ये सारी सलाह के इरफान भाई, मेरी सलाह थी, मैंने कहा था भाई ये वाली डलवाएंगे किंग कॉन्ग वाली, क्योंकि मुझे ना हाँ इंडिकेटर वाली, जैसे इंडिकेटर जलाएंगे समीर पार्किंग जलाना पार्किंग, तो इसमें ना एक लाइट आती है जिसमें इंडिकेटर भी होते हैं, तो वो तो मुझे पसंद नहीं है। और इनकी कोई गारंटी वारंटी मिली अपने को? हाँ इनकी गारंटी मिली 1 साल की, 1 साल की अपने को गारंटी वारंटी मिली है ये वाली। और देखो हमारी ऑटोमेस की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, वो देखो हमारे भाई मिल गए थे यहाँ पे। तो फ्रंट से जो काम हुआ है वो देख लो, फॉग लैंप में LED डली है, हेडलाइट है, और पीछे की जो टेल लाइट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इंटीरियर चलूंगा। शाबाज हाँ जी, क्या क्या ऑप्शन तुम्हें दिखाए गए थे वहाँ पे? उसमें ऑप्शन दिखाए गए थे इरफान भाई, बिल्कुल नहीं आए थे। अच्छा हाँ, तो हमें फिर ये अच्छी लगी। अच्छा। एकदम अटके एकदम, ये देखो कुछ अलग एकदम। हाँ नीचे रिफ्लेक्टर भी लगा दिए, कोई वायर कटिंग वगैरह भी नहीं, कोई कुछ नहीं, कपलर टू कपलर काम हुआ जो भी। अच्छा जी भाई, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन मुद्दे की चीज है कि क्यों हमने कहा जी वैगन। समीर फील आता है नहीं आता? फील बिल्कुल नहीं आता। ये देखो ये है जी इंटीरियर जो हमने बेसिकली करवाया है, अब ये देख लो। अब अंदर से क्या क्या काम हुआ है ये बता दो एक बार। अंदर से इरफान भाई टोटली सारा काम हुआ है इसमें इंटीरियर का फुल। अब ये देखो आप, अगर आप पीछे की सीट देखना चाहोगे तो इसके अंदर मेरे ख्याल आर्म रेस्ट भी लगवाए गए हैं, ठीक है, पीछे 2 आर्म रेस्ट लगवाए गए हैं। ऊपर रूफ देख लोगे तो रूफ आपको दिखेगी। देन अपने जो जी वैगन स्टाइल AC वेंट्स होते हैं वो भी है, वो भी है। इनका तो फील अलग है वैसे, इसका पूरा फील अलग है, एंबिएंस लाइट पूरी फिनिशिंग के साथ। कहां तक कहां तक लगाई है? जैसे ये पूरी करी है, देन इसके अंदर हो ये, देन ये आई है रात, बैक साइड भी है। ये स्विच किस चीज का लगाया? ये तो हूटर है। हाय है क्या हूटर इसमें? दिखाना जरा ये तो इन्होंने मुझे बताई नहीं भाई। हूटर भी है, माइक भी है। अच्छा माइक भी है, नहीं 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 दिखाओ, ऐसी ऐसी जाएगी। हाँ ये लो, चलो जी देखते हैं भाई जरा हूटर एक बार सुन के क्या है वैसे हूटर का फील। माइक भी है, ये माइक वहीं से लगा था? नहीं अलग अलग लगवाया था। चलो जी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होगी गाड़ी। और अब शाबाश करेंगे, देखो ये एम एंड लाइट देख रहे हो, ये देख रहे हो ये कलर देखो आप, डिफरेंट डिफरेंट कलर। ये एक पेट्रोल वेरिएंट थार है तो इसमें वैसे तो आवाज़ ही नहीं होती, तो अभी लग रहा है हूटर लग रहा है, अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा है लग रहा है, उसकी वो इन्वर्टर वो चली गई, लाइट चली गई है अभी, तो अभी देखेंगे। तो चलो एक बार अंदर से दिखाते हैं, एक बार समीर एक बार आ जाना। तो अंदर से क्या क्या है, जैसे ये पियानो फिनिश हुआ है, ये देख सकते हो। हाँ जी ये पियानो फिनिश हुआ है एकदम। और क्या मैटिंग भी लगा के दी है? मैट वैट सब लगा के दिया उसमें, तो कंप्लीट काम है ये देख रहे हो, ये एकदम ओके काम है, फुल फिनिशिंग के साथ, फुल फिनिशिंग। ये छत देख लो, छत कितनी एक्यूरेट लगाई है। और ये पियानो फिनिशिंग देख लो थार की, यहाँ पे अपने एनग्रेव्ड ब्रांडिंग भी है। देन स्टेयरिंग देखो आप, स्टेयरिंग कितना बढ़िया लगा रखा है भाई ने, पूरा पूरा यहाँ से ये सब पेंट हुआ है, जैसे ये वाला पार्ट हाँ, हो गया, सारा हार्ड प्लास्टिक पर सब पेंट हुआ, ये पेंट है, तो कितना अच्छा ये मैच हो रहा है ये भी आप देख ही सकते हैं।
तो गाड़ी ओवरऑल कहने का मतलब है गाड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो भाई मजा आया फिर काम करा के? बहुत इरफान भाई, आपकी सलाह दी पूरी पूरी सलाह मतलब पूरी काम आई। आपने जैसा बताया बिल्कुल वही काम हुआ इसमें। तो ये देख लो भाई, ये थार है अपनी जो रेडी हो रखी है। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई इतना सारा काम शाहबाज ने करा तो लिया, अब शाहबाज के पैसे कितने ठुके होंगे? तो शाहबाज बताओ कितने बैठ हो गए? सीधी बात, लाख से सवा लाख रुपए लग गए इसमें। हाँ ठीक है, लेकिन काम आपको काफी बढ़िया मिला जिसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होगी। इंटीरियर भी हो गया, लाइट भी होगी, हेडलाइट भी होगी, और भाई अपना पूरा इंटीरियर भी हो गया। तो ये काफी ज्यादा किफायती मुझे लग रहा है अगर किसी को भी कराना है तो। भाई देखो ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, ना तो मैंने उस दुकान वाले से पैसे खाए, ना मैं उसे आज तक मिला हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि भाई अच्छा भाई है, तो मैंने आदत में बहुत अच्छा भाई है, आदत में ही बहुत अच्छा। तो किसी को कराना है तो आप करोल बाग में माही कार पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अपना अपना काम बढ़िया हो गया। तो भाई अब आप बताना कमेंट में कि भाई का इंटीरियर कैसा लगा अभी इसके अंदर। धीरे धीरे मैंने शाबाज को ये रेकमेंड किया था कि अभी धीरे धीरे मॉडिफिकेशन कर, इसका मन तो था कि एक ही बार में पूरा ठोक देंगे पैसा। मैंने कहा अभी नहीं है समीर, यही तो बात थी। हाँ हाँ, ये तो यूँ कह रहे थे कि अलॉय भी चेंज करा देंगे, ये भी करा देंगे, मगर धीरे धीरे मजा लेंगे। अब इसके बाद हम बम्पर पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम जब इन अलॉय को अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद टायर भी चेंज कराएंगे और अलॉय भी चेंज कराएंगे। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच सवाल।